ऑलराइट गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को कार्ड मॉनिटर लेना चाहिए या फिर नॉर्मल मॉनिटर। अब देखो, एक नॉर्मल मॉनिटर और कार्ड मॉनिटर में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, पर वो आपको समझ में नहीं आता। अब कार्ड मॉनिटर लेना अच्छा है या फिर नॉर्मल, उससे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए हमारा आंख काम कैसे करते। तो अगर हम लोग को ऑप्टिक्स समझना है तो पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए हमारे आंख में क्या क्या है जो इस लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, कॉर्निया हमारा लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करते हुए लेंस की तरफ ले जाता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है। और क्रिस्टलाइन लेंस से ये सारे रेज जाके कन्वर्ज होकर निकलता है हमारे फोबिया। फोबिया एक पॉइंट होता है जहां पर हमको सबसे अच्छा इमेज दिखता है रेटिना। बाकी सारे जो एरियाज होते हैं उसमें हम लोगों को ब्लरी इमेज दिखता है। अब हमारे आंख में फोबिया ऐसी जगह पर प्लेस्ड होते हैं जिसमें हमें सबसे बढ़िया वाला इमेज जो हम जिस जगह पर फोकस कर रहे हैं वहीं पे देखने को मिले। तो अब देखते हैं कार्ड मॉनिटर को। अगर आपका सामने वाला एरिया जहां पर आप लोग देख रहे हो वो कार्ड है और उसमें लाइट निकल के आके आपके फोबिया में जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके फोबिया में जाके फोकस्ड होता है, तो आपको ज्यादा एरिया देखने को मिलता है। अब अगर आपके सामने एक नॉर्मल मॉनिटर है तो आपको जो आप लोग सेम एक फ्लैट सरफेस में देखते हो जितना फोकस होता है उतना ही होने। अब बात आता है कार्ड मॉनिटर लेना चाहिए या फिर फ्लैट मॉनिटर। तो देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन से में हो। एक कार्ड मॉनिटर में थोड़ा सा ही ज्यादा आपको फोबियल एरिया देखने को मिलेगा जहां पर इमेज पूरा फोकस्ड होगा, और एक नॉर्मल मॉनिटर में जो आप फ्लैट सरफेस में फोकस्ड एरिया देखते हो या फिर अगर आप लोग हाथ सामने रखो और उसमें जितना एरिया फोकस देख रहे हो ना ही देखने को मिलेगा। अब देखो, ऑप्टिकल बातें तो बहुत सारी हो गए, अब समझते हैं टेक्निकल बातें। तो देखो, एक सिंपल सा चीज है, अगर आप लोग कोई भी गेमिंग मॉनिटर ले लो, वो कार्ड हो नॉर्मल हो, तीन चीजें आपको ध्यान में रखना ही होता है। नंबर वन आता है हमारा रिस्पांस टाइम, बहुत ही कम होना चाहिए रिस्पांस टाइम ताकि आपको मल्टीप्लेयर गेम्स खेलने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा आता है हमारा ब्राइटनेस, तो आपका पीक ब्राइटनेस कम से कम 280 से ज्यादा तो होना ही चाहिए ताकि गेम्स का जो फील है, एक्सपीरियंस है, वो आपको अच्छे से अच्छे मिले। और तीसरा है हमारा कलर परसेप्शन, जो भी कलर्स है वो निखर के आए ताकि गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच हो। अब देखो, 10,000 से 15,000 या फिर 20,000 तक भी चले जाओ ना, तो कार्ड मॉनिटर आपको अच्छा ये तीनों ऑप्शंस के साथ बहुत मुश्किल है। समझ लो, आप सैमसंग का भी मॉनिटर खरीद रहे हो, कार्ड मॉनिटर हो और सैमसंग का हो, वो आप खरीद रहे हो, फिर भी आपको तीनों के तीनों चीजें सही से देखने को नहीं मिलेगा, जितना भी कंपनी कहे। फिर भी आपको सस्ते में कुछ खरीदना है ऐसे कार्ड वाले, तो जो दो चार चीजें मैं डाल दूंगा। आप समझते हैं कि कार्ड मॉनिटर क्या हमारे आंखों के ऊपर कोई प्रेशर डालता है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं डालता। कार्ड मॉनिटर कह लो सबसे अच्छा ही है कि आपको अच्छे से अच्छा फील दिलवा सके और आपके आंखों के लिए ये कंफर्टेबल भी होता है। और अगर नॉर्मल मॉनिटर का हो तो डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं आसपास से, जो आपको कार्ड मॉनिटर में देखने को नहीं मिलता, और जितना डिस्ट्रैक्शन हो उतना आंखों के लिए स्ट्रेसफुल होता है एकोमोडेट करने की। तो एक शॉर्ट डाला था मैं कल या परसों जहां पर मैंने बताया था कार्ड मॉनिटर और एक नॉर्मल मॉनिटर में डिफरेंस क्या होता है, वहीं से मुझे कुछ सारे इंक्वायरीज है, इसलिए मैंने आज ये वीडियोस बनाए। जो सारे मॉनिटर्स है उसका लिस्ट मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके सस्ता वाला ले सकते हो, पर सोच समझ के लेना क्योंकि तुम लोग गेमिंग करने वाले हो और एक गेमर कभी भी गलती नहीं कर सकते।